मूवी की शुरुआत में एरिका शॉ अपनी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रही होती है, वहीं इस दौरान एलिसा नामक महिला उसे घूरे जा रही थी। एलिसा को देखकर एरिका फौरन वहां से घर के लिए निकलती है और एलिसा बार बार उसे पीछे से पुकारने लगती है। जैसे तैसे एलिसा को इग्नोर करके एरिका अपने घर पर पहुंचती है और फिर वो अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री का काम शुरू कर देती है। मगर कुछ ही समय के अंदर एलिसा उसके घर पर पहुंच जाती है। एलिसा ने एरिका को अपनी मरी हुई बहन की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहा था, लेकिन जितने मटेरियल से एरिका को डॉक्यूमेंट्री बनानी थी उससे कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन एरिका के पास थी। हालांकि इस बारे में एलिसा के अलावा कोई और नहीं जानता था। इस बारे में एरिका से पूछने पर वो बताती है कि वो अपने इंस्टेंट की मदद से फोटोज और बाकी चीजों को जरिया बनाकर डीप बातें खुद ही समझ पाती है। ये जानने के बाद एलिसा उसे दोबारा से एक काम देती है। एलिसा के पिता कैंपबेल ब्रैडफोर्ड ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर इस बारे में उनके अलावा कोई और नहीं जानता है। और एलिसा चाहती थी कि एरिका उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाए और उनकी पास्ट लाइफ के बारे में जितना भी हो सके वो पता करके एलिसा को बताए। एरिका इनकार कर देती है क्योंकि फिलहाल वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन काफ़ी बार रिक्वेस्ट करने पर एरिका मान जाती है और इस काम के लिए एरिका को इंडियाना जाना होगा और इस तरह से वो ब्रैडफोर्ड के बारे में पता कर सकेगी। वैसे इंडियाना जाने से पहले एरिका ब्रैडफोर्ड से हॉस्पिटल में मिलती है जिससे कि उसे कुछ क्लूज मिल सके, मगर हॉस्पिटल जाने पर ब्रैडफोर्ड उसकी बातों पर रिप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एरिका जाने लगती है। ठीक तभी धीरे धीरे वो बातें करना शुरू करते हैं। ब्रैडफोर्ड बताते हैं कि उनके पास्ट से जुड़ी कुछ खास बातें नहीं है जो वो बता सके, लेकिन धीरे धीरे एरिका उनसे उनके शहर के बारे में पूछती है। ब्रैडफोर्ड बताते हैं कि उनका शहर छिपने और गायब होने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। वहां मौजूद उस गहरी नदी के कई किस्से भी हैं। ऐसा कहकर वो चुप हो जाते हैं और फिर वो कुछ भी नहीं कहते। अब एरिका उन्हें स्प्रिंग वाटर से भरी एक बॉटल दिखाती है जो उसे एलिसा ने दी थी। इसे देख ब्रैडफोर्ड कहते हैं, ये तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, ये उसका खून है, ये ईविल है और ये बॉटल टूट चुका है। फिर एकदम से वो एरिका की ओर देखते हुए कहते हैं, आखिरकार तुमने किया क्या है? अब इन छोटे छोटे क्लूज को कलेक्ट करके एरिका अगली सुबह इंडियाना के लिए निकल पड़ती है। रास्ते भर वो सिर्फ उस बॉटल के बारे में ही सोचती रहती है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस बॉटल पर होता है, जिस वजह से उसकी एक्सीडेंट भी होते होते बचती है। होटल पहुंचकर उसे पता चलता है कि ये काफी पुराना होटल है और ब्रैडफोर्ड के बारे में जानने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती है। साथ ही उसे बताया जाता है कि इस होटल में रीबर्थ फेस्टिवल होने वाली है, मगर एरिका फेस्टिवल अटेंड करने से मना कर देती है। रात के समय एरिका बड़े ही ध्यान से होटल को देख रही होती है और उसके सामने अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी दवाइयां लेती है। वैसे काफी समय से एरिका उस बॉटल को खोलना चाहती थी। इस बीच वो उस बॉटल को खोलकर उसे स्मेल करती है, फिर वो उसे अपनी जगह पर रख देती है। लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते एरिका बॉटल में मौजूद स्प्रिंग वाटर पी लेती है, जिसके तुरंत बाद उसके सामने एक लड़के की विजन आने लगती है जो वायलिन बजा रहा होता है। अब जैसे ही कैमरा एंगल उस लड़के के फेस पर जाता है, वो कहने लगता है, आखिरकार तुमने किया क्या है? परेशान होकर एरिका लिकर सेक्शन में जाकर दिमाग को शांत करती है और इस बीच उसकी मुलाकात आन नामक एक लेडी से होती है। आन एरिका को परेशान देखकर उसे मॉरल सपोर्ट देते हुए
वुमेन की पॉजिटिव सोच और उनकी समझदारी के बारे में बताती है और फिर धीरे धीरे दोनों की खूब जमती है। बातों बातों में दोनों रीबर्थ फेस्टिवल के बारे में भी बातें करती है। आन का कहना था उन्होंने हमेशा से ही इस फेस्टिवल को अटेंड किया है और उनके जीवन में ये फेस्टिवल काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आन बताती है कि वो एरिका की डॉक्यूमेंट्री के लिए उसकी मदद कर सकती है जो कि वो काफी ओल्ड है और उन्हें स्प्रिंग वैली यानी इस इलाके की लगभग सारे इतिहास के बारे में सटीक पता है। आन के बारे में जानने के बाद एरिका उनसे कैंपबेल ब्रैडफोर्ड के बारे में पूछती है, जिसका नाम सुनते ही आन एरिका को अवॉइड करके वहां से चली जाती है। आन का ऐसा बर्ताव देख एरिका को अजीब लगता है। अब अगले सीन में एरिका डॉक्यूमेंट्री के लिए होटल से बाहर जाकर कुछ वीडियो फुटेजेस ले रही होती है। ठीक तभी उसे वायलिन की आवाज लगातार उसके कानों में गूंजने लगती है। आसपास हो रहे घटनाओं से एरिका काफी ज्यादा परेशान थी। साथ ही वो समझने लगी थी कि जितना उसने डॉक्यूमेंट्री के बारे में सोचा था उससे काफी बड़ा और अकल्पनीय होने वाली है ये कहानी। अब अगले दिन एरिका से मिलने के लिए केलिन नामक एक इंटर्न पहुंचती है। वो लड़की एरिका की काफी बड़ी फैन थी, साथ ही वो उसके साथ काम करके फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री बनाने की टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहती थी। बातों बातों में ये दोनों एरिका की पहले प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लगते हैं और वो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस उस लड़की से शेयर करती है। इसके अलावा कैंपबेल ब्रैडफोर्ड की डॉक्यूमेंट्री ये दोनों मिलकर आगे बढ़ाएंगी। इस बीच दोबारा से एरिका को उसी वायलिन की आवाज सुनाई देने लगती है। एरिका फौरन उठकर उस ओर जाने लगती है। वहां वो उसी लड़के को वायलिन बजाते हुए देखती है, मगर कुछ ही पलों के भीतर वो विजन गायब हो जाता है। लेकिन रियलिटी में ठीक उसी जगह पर एक आदमी पियानो बजा रहा होता है। एरिका काफी घबराने लगी थी, जिस वजह से ये दोनों बार में जाते हैं, जहां एरिका की मुलाकात जोसिया नामक एक आदमी से होती है, जिसे एरिका पहले से ही जानती थी। वो दोनों एरिका की इंटर्न केलिन को अवॉइड करके बार में अकेले मजे करते हुए बातें करने लगते हैं। काफी समय तक ये दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करते हैं और फिर वो दोनों एरिका के होटल में जाकर एक दूसरे के साथ कुछ लवी डवी मोमेंट्स स्पेंड करते हैं। इस बीच जोशिया की नजर स्प्रिंग वाटर पर पड़ती है, मगर एरिका उसका ध्यान भटकाने लगती है। लेकिन एरिका के वहां से जाते ही जोशिया स्प्रिंग वाटर पीने लगता है और ये देख एरिका उसे फिलहाल के लिए अपने कमरे से जाने के लिए कहती है। जोशिया के जाते ही एरिका दोबारा से स्प्रिंग वाटर पीती है और फिर से ब्रैडफोर्ड के विजन्स उसके सामने आने लगते हैं। ठीक तभी वो परेशान होकर अपने कमरे से बाहर टहलने लगती है। अचानक से एक ऑफिसर उसे दो शख्स की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी तस्वीर देखने के बाद एरिका अजीब सा बिहेव करने लगती है, क्योंकि इन दोनों को उसने अपने विजन में देखा था। इस बारे में सोचते सोचते जैसे ही वो पलटती है, वो देखती है तस्वीर में मौजूद एक शख्स को काफी बेरहमी से मारा गया है, वो भी उसकी आंखों के सामने। ऐसा नजारा देख कर वो घबरा जाती है और ठीक तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। अगली सुबह होटल मैनेजर एरिका को रीबर्थ फेस्टिवल से जुड़ी कुछ बातें बताता है। इस फेस्टिवल में स्प्रिंग वाटर से नहलाया जाता है जो भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं। साथ ही स्प्रिंग वाटर को जादुई पानी कहा जाता है, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां दूर होती हैं। एरिका को दोबारा से इस रीबर्थ फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए कहा जाता है, मगर फिलहाल के लिए वो इसे टाल देती है। इधर जोशिया अपना काम कर रहा होता है, अचानक उसके एरिया की लाइट्स चली जाती है और उसे भी एरिका की तरह अजीबोगरीब विजन्स आने लगते हैं,
जिससे वो घबरा जाता है। वहीं अगली सुबह इस होटल और स्प्रिंग वैली के इतिहास के बारे में जानने के लिए एरिका और केलिन आन से मिलती है। आन एक एक करके इस जगह के सारे इतिहास के बारे में उन्हें बताती है, मगर कहीं ना कहीं बार बार एरिका वीडियोस में गलती निकालती रहती है। ये देख आन समझ चुकी थी कि एरिका यहाँ अपनी साधारण सी एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में नहीं जानना चाहती है, बल्कि वो तो ब्रैडफोर्ड के बारे में जानना चाहती है। इसलिए आन एरिका को धीरे धीरे करके ब्रैडफोर्ड से जुड़ी बातें बताती है। आन बताती है कैंपबेल ब्रैडफोर्ड एक रियल बोगीमैन था, जो कि वो काफी बुरा इंसान था और उनके वंश के लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं, सिवाय उसके पोते के बेटे के, जिसका नाम जोशिया ब्रैडफोर्ड है। जोशिया का बचपन भी सही से नहीं गुजरा, जो कि वो ब्रैडफोर्ड परिवार से था, और कैंपबेल ब्रैडफोर्ड परिवार के लिए सिर्फ एक कर्ज की तरह था। वैसे कोई भी कैंपबेल के ऊपर ना तो बात करने की हिम्मत रखता था और ना ही कोई उसके अगेंस्ट कुछ करने की हिम्मत रखता था, जिस वजह से कैंपबेल खुद को हमेशा से ही इस शहर का मालिक समझता था। एक दिन जैसे ही कैंपबेल ने एक बड़े आलिशान होटल को खरीदना चाहा, उसे होटल ओनर ने मना कर दिया और अपनी दहशत दिखाने के लिए कैंपबेल ने उसकी जान ले ली, वो भी उसके इकलौते बेटे के सामने। इस घटना के बाद कई ऑफिसर वहां पहुंचकर छानबीन करने लगे, जिसके बाद होटल की बॉडी उन्हें उसी नदी के किनारे मिली जिसके बारे में कैंपबेल शुरुआती सीन्स में बता रहे थे। साथ ही उस बच्चे की वायलिन के अलावा पुलिस को और कुछ भी नहीं मिली। इन सारी घटनाओं के बारे में जानने के बाद एरिका को दोबारा से वायलिन के साउंड सुनाई देने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को शांत करती है। साथ ही वो बताती है कैंपबेल ब्रैडफोर्ड अभी भी जिंदा है, जो कि वो उससे मिल चुकी है, लेकिन उसकी बात पर आन को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक कैंपबेल की अब तक मौत हो जानी चाहिए, जो कि उसकी उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी थी। कैंपबेल के जिंदा होने की खबर सुनकर आन एरिका को केयरफुल रहने के लिए कहती है। वही एरिका का कहना था शायद अब वो एक बेहतर इंसान बनकर ईश्वर की राह पर चलने लगा हो, लेकिन आन कभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके मुताबिक कैंपबेल जैसा आदमी अपनी उम्र के साथ साथ खराब और कठोर बनता चला जाता है और इंसान कभी भी अपनी असली फितरत से नहीं बदलते हैं। आन से इतनी बातें जानने के बाद एरिका ने अपना मन बना लिया था कि अब वो इस बारे में और जानकारियां लेगी और पूरी दुनिया को सच बताएगी। एलिसा उसे ऐसा करने से मना करती है, साथ ही वो उसे पैसों की लालच भी देती है, लेकिन अब तो ये कहानी एरिका की अपनी स्टोरी बन चुकी थी, जिसे वो अपनी तरह से पेश करेगी, वो भी पूरी दुनिया के सामने। अब रात के समय एरिका जोशिया ब्रैडफोर्ड से मिलती है और उसे बताती है कि उसके परदादा कैंपबेल अभी भी जिंदा है। कैंपबेल के बारे में जानकर जोशिया कहता है कि वो आदमी एक मॉन्स्टर है, उसी आदमी की वजह से पूरा ब्रैडफोर्ड वंश तबाह हो गया और वो इस परिवार के लिए सिर्फ एक कर्ज है। उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और इसका खामियाजा मुझे आज तक देना पड़ता है। जोशिया का कैंपबेल के लिए गुस्सा देखकर एरिका उसे अपने साथ ले जाती है और कैमरा के सामने बिठाकर कैंपबेल को गाली देने के लिए कहती है, जिससे कि उसकी अब तक की पूरी भड़ास निकल जाए और एरिका को कैंपबेल के बारे में जानकारी मिल सके। जोशिया कैमरे के सामने नर्वस होने लगा था, इसलिए एरिका उसे उसकी ओर देखकर क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए कहती है, जिससे कि वो रिलैक्स्ड महसूस कर सके। और फिर जोशिया उसे बताता है कि वो अपने परदादा से अब तक कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी बातों से ये साफ झलक रहा था कि वो अपने परदादा से काफी डरता है।
एरिका को काफी अजीब लगता है ये जानकर, क्योंकि जिस आदमी से जोशिया कभी मिला ही नहीं उस आदमी से आखिरकार वो कैसे डर सकता है। तो ये सुन जोशिया कहता है, उसने मेरे परिवार को मारा है और सभी को एक्सीडेंट्स की तरह दिखाया गया। एक एक करके वो सभी के मौत से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताने लगता है। उसका कहना था, सबके साथ एक्सीडेंट होना ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। गुस्से में जोशिया वहां से उठकर जाने लगता है और एरिका उसे समझा कर रोक लेती है। नर्वसनेस और गुस्से के चलते जोशिया कैमरा बंद करने को कहता है, मगर एरिका सिर्फ कैमरा बंद करने का नाटक करती है। एरिका बेहद अच्छे से जानती थी कि जोशिया के माइंड को किस तरह से डाइवर्ट करके उसके मन की बात निकलवाई जा सकती है, इसलिए वो इसी तरह से उसे शांत करके उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जिसका जवाब जोशिया कुछ अजीबोगरीब तरीके से देता है और फिर एकदम से वो वहां से उठकर चला जाता है। कैंपबेल को सभी कर्ज मानते थे, मगर एरिका का कहना था शायद ऐसा कुछ था ही नहीं। वीडियोस कलेक्ट करके एरिका अपने कमरे में जाती है और दोबारा से वही स्प्रिंग वाटर पीती है। साथ ही वो दोबारा से उसी वायलिन बॉय को लेकर विजन्स देखने लगती है। बाहर आकर एरिका केलन के सामने बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले एरिका कहने लगती है कि उसने ब्रैडफोर्ड को देखा है, वो सच में यहाँ आ चुका है। और फिर केलन फौरन उसे कमरे में लेकर जाती है। उसके पीठ पर एक अजीब सा दाग भी मौजूद था जो ब्रैडफोर्ड ने करा था। अब कमरे के बाहर लेडी आन और कलिन बात करते करते एरिका के उठने का वेट कर रहे होते हैं। आन को एरिका के सपने और अभी हुई घटना के बारे में पता चलता है और वो काफी हद तक परेशान हो जाती है। वैसे दोस्तों, आज रीबर्थ फेस्टिवल थी तो आन फेस्टिवल में जाती है और उनके जाते ही केलिन नोटिस करती है एरिका गायब है। एक तरफ केलिन एरिका को हर जगह ढूंढने लगती है, वहीं दूसरी तरफ आन एक आदमी का पीछा करती है जो काफी छिपते छिपाकर होटल से जाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जोशिया है और उसने आन को जान से मार दिया है। ये देखकर केलिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो जोशिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जोशिया अपने आपे से बाहर था क्योंकि स्प्रिंग वाटर पीने की वजह से उसे ब्रैडफोर्ड ने कब्जे में कर रखा था, जो कि उस पानी में ब्रैडफोर्ड का खून मिला हुआ था। जोशिया बड़ी ही बेरहमी से केलन को भी मारने की कोशिश करता है, मगर सही समय पर एरिका वहां पहुंच जाती है और केलन की जान बचा लेती है। इसके अलावा एरिका बड़ी ही केयरफुली से केलन को अपने साथ सुरक्षित कमरे की ओर ले जाने लगती है, लेकिन केलन को एरिका पर भरोसा नहीं था, जो कि फिलहाल उसका बर्ताव भी ठीक नहीं था और उसने भी स्प्रिंग वाटर पी रखी थी। इस कारण से छल करके केलन एरिका के गले में छुरी मारकर उसका गला काट देती है और इससे उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद एरिका के आखिरी विजन से हम ये जान पाते हैं कि असल में मूवी के शुरुआत में दिखाया गया आदमी ब्रैडफोर्ड नहीं है, क्योंकि ब्रैडफोर्ड ने जब होटल ओनर को जान से मारा था तब गुस्से में आकर ओनर के बेटे ने ब्रैडफोर्ड को गोली से मार दिया था, जिसके बाद उसने उसे शहर के सबसे बड़ी नदी में फेंक दिया और उसी नदी के पानी को कलेक्ट कर लिया जिसमें ब्रैडफोर्ड का खून और नदी का पानी मौजूद था। तो दोस्तों, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हमने जिस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल में देखा था, वही बूढ़ा आदमी है होटल ओनर का बेटा, जिसके सामने उसके पिता को मार दिया गया था। असल में रियल ब्रैडफोर्ड उस शहर में बुगीमैन के नाम से परिचित था, जो कि वो वैसे काम किया करता था। ब्रैडफोर्ड वंश के खून में अद्भुत और रहस्यमयी क्षमता थी, साथ ही वो काला जादू का उस्ताद भी था।
इस बारे में वायलिन बॉय जान चुका था, जिस कारण से उसके पिता के खून के बाद उसने ब्रैडफोर्ड का खून बॉटल में कैप्चर कर लिया। ब्रैडफोर्ड की आत्मा बॉटल में ट्रैप हो चुकी थी, जिसके बाद वायलिन बॉय उसकी आइडेंटिटी लेकर शहर छोड़कर भाग गया। इस वजह से सभी को यही लगा कि ब्रैडफोर्ड ने शहर छोड़ दिया और उसके पिता के साथ साथ उसके बेटे यानी वायलिन बॉय भी मारा गया। इसके अलावा अलीसा को हमेशा से ही ऐसा लगता था कि उसके दादाजी का बहुत बड़ा और अकल्पनीय पास्ट रह चुका है, और जब उसकी बहन की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी, उस दौरान सिवाय उस स्प्रिंग वाटर बॉटल के गाड़ी में मौजूद सारी चीजें तहस नहस हो चुकी थी। वैसे स्प्रिंग वाटर काफी मिस्टीरियस था, क्योंकि वो खुद ब खुद रिफिल होने की क्षमता रखता था, और दोस्तों जो भी स्प्रिंग वाटर पीता है वो धीरे धीरे करप्टेड होने लगता है। जैसा आप सभी को मैं बता देती हूँ दोस्तों, असल में एरिका ने एक क्रिमिनल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। डॉक्यूमेंट्री में एरिका ने क्रिमिनल को नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव दिखाया था। इस वजह से डॉक्यूमेंट्री से मिली पॉजिटिव रिस्पॉन्स से क्रिमिनल को छोड़ना पड़ा, और जेल से छूटने के बाद इस आदमी ने अपने पूरे परिवार को जान से मार दिया। अपने जीवन में एरिका को इस बात का बहुत गिल्ट था, लेकिन स्प्रिंग वाटर पीने के बाद उसका बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा था, जो कि जोशिया मूवी के अंत में डायनामाइट से पूरी बिल्डिंग को उड़ाना चाहता था। उस दौरान जोशिया के मौत के बाद एरिका ने केलिन से कहा था कि अगर डायनामाइट की वजह से पूरा होटल फट जाए, फिर तो ये डॉक्यूमेंट्री हिट हो जाएगी। स्प्रिंग वाटर पीने की वजह से वो ऐसा कह रही थी, और उसकी इस इविल साइड को देखने के बाद केलिन ने उसकी जान ले ली। अब आप सभी कमेंट्स में बताइए आप सभी को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ। शब्बा खैर।